बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में ठनी हुई है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को भाग जाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है कि वाह रे बड़का भाई, आपके कहने से अगर भाग जाएंगे तो बाप दादा के संपत्ति में हिस्सा दीजिएगा। यानी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ने वाले नहीं है, जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इस बार कुशवाहा आर और पार की लड़ाई में है। नीतीश कुमार को लग रहा था कि कुशवाहा बड़े ही आसानी से जनता दल यूनाइटेड से दूर हो जाएंगे, लेकिन कुशवाहा ने तो मोर्चा ही खोल दिया, नीतीश को मुसीबत में डाल दिया। अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सेदारी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लिख दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो भी तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बकवास करते हैं, उससे मुझे कोई नहीं लेना देना, उनको जहां जाना है चले जाएं। जनता दल यूनाइटेड कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। और अब जब नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि जेडीयू पहले से मजबूत हुई है, उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू को कमजोर बता रहे थे, अब इस कमजोर जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के मजबूत जनता दल यूनाइटेड से हिस्सा मांग रहे हैं। बाप दादा वाला हिस्सा नहीं, पार्टी में जो हिस्सा है वो हिस्सा मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ऐसे अगर कोई बड़का भाई अपने छोट भाई को घर से निकालने लगे तो फिर तो हिस्सेदारी ही खत्म हो जाएगी, कैसे छोड़ देंगे, हमको हिस्सा चाहिए। अब नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू को इसका जवाब देना होगा कि जिस उपेंद्र कुशवाहा से जनता दल यूनाइटेड के नेता बड़े ही आसानी से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे, जेडीयू को जब जरूरत थी तब उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बुलाया, उनका स्वागत किया, पार्टी का संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया, और अब जब जरूरत निकल गई तो कुशवाहा से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन कुशवाहा नीतीश को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इस बार कुशवाहा इतनी आसानी से नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह चाहे जितना जोर आजमाइश कर ले, जो बयान देना है दे दे, लेकिन कुशवाहा अलग नहीं होंगे। तो बड़ी खबर यही है कि नीतीश को कुशवाहा का अब सीधे सीधे जवाब आ गया है। कल तक कुशवाहा जो नीतीश कुमार के सामने मजबूती से उनके सुरक्षा कवच के तौर पर खड़े थे, आज वही कुशवाहा हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बंटवारा की बात कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड बटेगी? नीतीश कुमार अगर बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो कुशवाहा को उनका हिस्सा देंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा, ऐसे कैसे चले जाए अपना हिस्सा छोड़कर। कुशवाहा ने साफ कर दिया कि अपना हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे, और ऐसे किसी भी तरह आप बार बार भगाने की बात करते हैं, जाने की बात करते हैं, लेकिन हम छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसे हम छोड़ के चले जाएं तो फिर हिस्सा कहाँ मिलेगा? तो अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से हिस्सा लेने के मूड में है, और फिलहाल जेडीयू छोड़ने का मूड उन्होंने नहीं बनाया है। भले ही जो बयानबाजी है वो नीतीश कुमार को मुसीबत में डालती रही है, और नीतीश के बयानों से कुशवाहा आहत हो गए थे, लेकिन इस बीच कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है और कुशवाहा ने साफ कर दिया कि अब मुझे जेडीयू में हिस्सेदारी चाहिए। देखना है कुशवाहा के इस नई मांग के बाद अब नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं, क्योंकि कुशवाहा ने साफ कर दिया वो इतने आसानी से छोड़कर नहीं जाने वाले हैं।